नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के साधुपुर गांव में हत्याकांड के अभियुक्त वरुण कुमार को पकड़ने गई पुलिस को जब अपराधी वरुण नहीं मिला तो उसके भतीजे 14 वर्षीय राजीव से रंगरा थाना प्रभारी महताब आलम ने वरुण के बारे में पूछा, जिस पर युवक ने अपने चाचा का पता नहीं मालूम होने की बात कही, जिस पर थाना प्रभारी के द्वारा गोली चला दी गई, जिसमें 14 वर्षीय युवक के पैर में गोली लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस वालों को घेर कर जमकर पिटाई कर दी, जिसमें थाना प्रभारी महताब आलम का सर फूट गया। वहीं पुलिस की कई गाड़ियों को ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना के बाद काफी संख्या में पुलिस बल को घटनास्थल पर तैनात कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि घायल युवक का बस इतना दोस्त था कि वो अपने अपराधी चाचा का पता नहीं जानता था और उसने पुलिस को नहीं बताया, इसलिए पुलिस ने उसे गोली मार दी। वहीं अब देखने वाली बात है कि पुलिस के वरीय पदाधिकारी इस घटना के बाद किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। निकला तू ना ले। ए हटाइए ना यहाँ से हटाइए। नहीं बताएगा वरुण कुमार का है, वो बोला कि उसके साले गोली मार दी। कौन है वरुण कुमार? मेरा अंकल। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं वो? कुछ पढ़ाई करता था वो आदमी, उसको मिला, उसको पकड़ने आया पुलिस, उसको पकड़ने आया था। पहले से जेल भी गया चाचा तुमका? नहीं, पुलिस पकड़ने आया था। क्या गोली चलाया था? कितना गोली चलाया था तुमसे? ये वो गोली चलाया था, जब दूसरा गोली मारने वाला था हम लोग उसके मुँह को रूना बुरा के, क्योंकि तब उसको निकला जब पास ले गया था उसके पास थे मार। क्या नाम है तुम्हारा? राजीव। कौन चलाया था गोली? नहीं था। कौन है? हम घर पे नहीं थे, हम दूसरे घर पे थे। हम घर से गए वहाँ पे तो बच्चों गोली लगा हुआ था, पुलिस गोली चला रहा था, जनता पर भी चला रहा था। कहाँ चलाए थे? ऐसे उस मर्डर केस में नहीं फंसा था, उसको खोजने आया था। कौन फंसा था? वरुण कुमार मर्डर केस में फंसा। मर्डर केस में फंसा हुआ है। गोली क्या चला रहा था? पुलिस चला रहा था। कहाँ का पुलिस है वो? ये पता नहीं, बाहरी पुलिस था, यहाँ का नहीं था, यहाँ का नहीं था, बाहरी पुलिस था। अभी भी वहाँ पे 30-35 गाड़ी पुलिस है अभी भी। इसको कहाँ चलाया गोली? इस पर उसको कुछ आगे वरुण कहाँ है, इसको पता नहीं था, मैं इसको गोली मार दिया। तुम्हारा क्या नाम?